तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे निसान मैगनाइट XV प्रीमियम मॉडल की। चारों तरफ से प्रोफाइल को कवर करते हुए इस कार के जानेंगे स्पेसिफिकेशन, फीचर और प्राइस के बारे में। सबसे पहले हम इंजन से शुरुआत करते हैं। तो इंजन टाइप इसके अंदर B4 01.0 NA पेट्रोल इंजन मिलता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 999 cc वाला इंजन इस कार के अंदर मिलेगा। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 71.2 BHP पावर जनरेट करता है 6250 RPM पर। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें 96 Nm पावर जनरेट करता है 3500 RPM पर। 3 सिलेंडर इंजन मिलता है इसके अंदर और फ्यूल सप्लाई सिस्टम MPFI वाला मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन इसके अंदर मैनुअल 5 गियर स्पीड वाला गियरबॉक्स इस कार के अंदर आपको मिल जाएगा। और फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्यूल टाइप इसमें पेट्रोल वाला इंजन मिलता है। पेट्रोल माइलेज इसके अंदर 18.75 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक इसमें 40 लीटर का मिलता है। BS6 इंजन मिल जाएगा। तो ये सारा सिस्टम मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रोफाइल की। सामने से देखने पे कुछ इस प्रकार से ये मालूम पड़ती है। काफ़ी प्रीमियम लुक में आपको ये देखने को मिलेगी। और इसमें एलॉय व्हील काफ़ी अच्छे सुंदर मिलते हैं। सामने फ्रंट में निसान का लोगो मिल जाता है और ग्रिल मिलती है चारों तरफ। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम इसमें मिलता है, काफ़ी सुंदर है और अपने रेंज की कारों को टक्कर देती है ये कार काफ़ी। सामने बम्पर पर क्रोम ग्रिल मिलती है। लाइटों की बात करें तो इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम इस कार के अंदर मिलता है। बात करते हैं इसके व्हील की। तो इसमें एलॉय व्हील मिल जाते हैं और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में जाकर ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वाइपर मिल जाते हैं। मिरर आपको पावर एडजस्टेबल मिरर मिल जाएंगे और यहाँ पर लाइट भी मिल जाएगी। हैंडल यहाँ पर दूसरे कलर में मिलते हैं, क्रोम ग्रिल वाले मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लाइटें कितनी सुंदर हैं, अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी बनावट के साथ में लाइटों को बनाया गया है। मैग्नाइट का यहाँ पर पूरा नाम मिल जाता है, उसके ऊपर निसान का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है और यहाँ पर पावर एंटीना मिल जाता है। रूफ रेल ऊपर की साइड में मिल ही जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। और ये पीछे की साइड में देखेंगे तो लाइटें कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी। नीचे बम्पर डुअल टोन में मिलता है, सिल्वर और ब्लैक में। तो ये काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये देखिए आप, दो रंगों के अंदर ये आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है और कैमरा 336 डिग्री वाला मिल जाएगा। फ्यूल टैंक इसके अंदर 40 लीटर का मिल जाएगा। डिमेंशन की बात करें तो लेंथ इस कार की 3994 mm, विड्थ की बात की जाए 1758 mm की विड्थ मिलती है और हाइट 1572 mm की मिल जाती है। बूट स्पेस इसके अंदर 336 लीटर का मिलता है। 5 लोगों के बैठने की सीट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिल जाता है। व्हील बेस 2500 mm के मिल जाते हैं। इस कार का वजन 9 क्विंटल 39 किलो है और 5 डोर मिल जाते हैं। डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलता है। नीचे बोतल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर मिल जाते हैं और यहाँ पर आप पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं। मिरर सेट करने का सिस्टम मिल जाता है। ये सारा सिस्टम इस कार में आपको मिल जाएगा। पावर मिरर मिलते हैं जो पीछे के देखने के होते हैं ये वाले, तो यहाँ से आप इनको ओपन बंद कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम इस कार में मिलता है। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम इस मॉडल में मिल जाता है। अब इधर की साइड देखेंगे तो इधर की साइड देखने पर यहाँ से आप सीट को अप डाउन कर सकते हैं, यानी कि इसकी हाइट को एडजस्टेबल कर सकते हैं और आगे पीछे सीट को कर ही सकते हैं। यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हैं और यहाँ से लाइटों को सेट कर सकते हैं इसके। और डुअल टोन में पूरा डैशबोर्ड मिलेगा। हैंडल की बात करें तो हैंडल पर आपको मिल जाएगा निसान का लोगो और लेदर वाला हैंडल मिल जाता है। और मीटर की बात करें तो इसके अंदर डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, डिजिटल ऑटोमीटर मिल जाता है। हैंडल पर कुछ स्विच मिलते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, यहाँ पर एसी वेंट बीच में मिल जाते हैं और इधर भी एसी वेंट मिलते हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर डे नाइट वाला मिरर मिल जाता है। तो ये सारा सिस्टम इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट पर देखने पे इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा और ये 8 इंच वाला डिस्प्ले है तो काफ़ी प्रीमियम लुक में आपको ये देगा। और यहाँ पर ग्लव बॉक्स एक साइड में मिलता है। यहाँ पर एसी का सिस्टम मिल जाता है, स्विच मिल जाते हैं और एसी को कितना कम ज़्यादा करने का सिस्टम मिल जाता है। उस स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कम्फर्ट की। तो चारों विंडो पावर मिल जाती हैं, पावर बूट मिल जाता है, एयर कंडीशन मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, तो फ्यूल वार्निंग का ऑप्शन मिल जाता है, रियर सीट हेडरेस्ट मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाती है इसके अंदर और वॉइस कंट्रोल मिल जाता है।
तो ये सारा सिस्टम इस कार के अंदर मिल जाएगा। ये ग्लव बॉक्स, इसका काफी बड़ा ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा और काफी सामान इसके अंदर आ भी जाएगा। सेफ्टी फीचर के बारे में बात करें तो ABS सिस्टम मिल जाता है, कंट्रोल लॉक मिल जाता है, पावर डोर लॉक मिल जाता है, चिल्ड्रन सेफ्टी लॉक मिलता है, दो एयरबैग मिलते हैं, डे नाइट वाला व्यू मिरर मिल जाता है इस कार के अंदर, सीट बेल्ट मिलती हैं और सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन मिल जाता है, क्रैश सेंसर मिल जाता है, इंजन चेक वार्निंग मिल जाती है, रियर कैमरा मिलता है, स्पीड अलर्ट का भी सिस्टम मिलता है और इधर की साइड आने पर, पीछे की साइड आने पर ये सारा आपको डोर पर दिखाई देगा। वही एक पावर विंडो का ऑप्शन और यहाँ पर आपको एक बोतल होल्डर और एक स्पीकर मिल जाएगा और अंदर की साइड देखने पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ हम बैठ के देखेंगे, बैठ के देखने पर और सबसे पहले तो AC वेंट दो मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इस कार के अंदर मिल जाता है, पीछे गर्मी भी नहीं लगेगी और यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर पीछे की साइड में AC वेंट बहुत ही अच्छे हैं और होने भी चाहिए क्योंकि पैसेंजर को काफ़ी सुविधा रहती है और इधर भी डोर पर यही सारा सिस्टम मिल जाएगा। पूरा केबिन इस प्रकार से आपको कुछ दिखाई देगा यहाँ पीछे बैठने पर और ये सारा सिस्टम इसमें आपको एक एक चीज़ यहाँ से दिख रही है तो काफ़ी अच्छा है। और ऊपर की साइड में पीछे भी लाइट है, यहाँ पर आपको हैंडल मिल जाएंगे पकड़ के बैठने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इस कार में दे दिया गया है। कर लेते हैं इस कार के एंटरटेनमेंट की, तो इसमें रेडियो मिलता है, चार स्पीकर मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, टच स्क्रीन 8 इंच वाला मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले वाला सिस्टम मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इस कार के अंदर आपको मिलेंगे। पैसेंजर साइड पर बैठने पर कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर मिलता है एक ग्लव बॉक्स, काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, भी आप ओपन करेंगे तो लाइट जल जाएगी, आप बंद करेंगे तो बुझ जाएगी, यही एक ऑप्शन इसमें मिल जाता है। तो ये सारा सिस्टम है और यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन मिलता है, ये AC का सिस्टम है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सिस्टम इसके अंदर मिल जाते हैं। तो और कुछ दूर से देखने पे कुछ केबिन इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। पीछे वाली रो में चलने पर कुछ हमें इस प्रकार से क्या क्या मिलता है, तो वही सारा सिस्टम मिल जाएगा इसके अंदर। एक पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है और बोतल होल्डर स्पीकर मिल जाता है। बूट स्पेस को भी ओपन करके देखते हैं तो बूट स्पेस इसके अंदर 336 लीटर का मिलता है, काफ़ी बड़ा है और इसमें लाइट भी मिलती है और ये सारा सिस्टम मिल जाता है और स्टेपनी भी इसी में मिलती है, कुछ टूल्स भी इसी के अंदर मिल जाते हैं। बूट स्पेस ओपन होने पर दूर से कुछ देखने पे इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, काफ़ी प्रीमियम लुक देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस की, तो इसके प्राइस 8,38,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ये कार खरीदनी है तो आप अपने शोरूम पर आसपास जाकर इसका विजिट करें तभी इस कार को खरीदें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।